हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में बहुत ही सिंपल तरह से अलार्म सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में अलार्म सेटिंग करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है क्लॉक नेम से। आप सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको प्लस का आइकॉन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको टाइम देखने को मिल जाता है। आप अपने अलार्म का कोई भी टाइम सेट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप अपने अलार्म का कोई भी मिनट सेट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है AM या PM। तो फ्रेंड, यहाँ से आप अपने फ़ोन में अलार्म किस टाइम में लगाना चाहते हैं AM या PM में वो यहाँ से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ से आपको रिपीट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ से आप अपने अलार्म जिस डेज में भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, संडे, मंडे, ट्यूजडे या तो फिर ओल्ड डेज। इस तरह से यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है लेवल का। लेवल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अपना नेम डालना होता है अलार्म का कि आप अपना अलार्म किस चीज़ के लिए लगाना चाहते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेव का। सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपकी अलार्म सेटिंग हो जाती है। देखिए फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है। सीखे करोड़ आप अपने फ़ोन में बहुत सिंपल तरह से अलार्म सेटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।